बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 17 के साथ हाजिर हैं। इस चैप्टर ये असल में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हमने स्टडी किया। ये इसके कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं। इसमें हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स, मिनरल्स जिनको हम बुलाते हैं, उनको स्टडी करेंगे, उनके यूज़ को, कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। आज जिसका हम जायज़ा लेंगे वो है जिप्सम। जिप्सम जो है ये सेकेंड ग्रुप के मेम्बर कैल्शियम का एक कंपाउंड है। जिप्सम ज़मीन की सतह पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये असल में कैल्शियम सल्फेट है जिसके साथ दो पानी के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे शामिल होते हैं। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ज़मीन पे ये वाफर मिकदार में पाया जाता है, और इसके इंडस्ट्री में भी यूज़ मौजूद हैं, और साथ में एग्रीकल्चर में भी इसके यूज़ हैं। हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज़ आपको पता है कि इसमें कैल्शियम भी मौजूद है, सल्फर भी मौजूद है, तो ये एक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे एरिया पे जहाँ पे लीचिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है। लीचिंग इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि जहाँ पे बारिशें होती हैं, ज़मीन थोड़ी सी भुरभुरी है, मसामदार है, तो बारिशों की वजह से या पानी की वजह से जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह है उससे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिनको प्लांट को जिनकी ज़रूरत होती है, वो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं मसामदार ज़मीन होने की वजह से नीचे चले जाते हैं पानी के साथ बहके। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो उसको, उन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स को मीट करने के लिए, फिल करने के लिए, और ज़मीन को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए ताकि वो स्टे कर सके और पानी जो है वो असेंशियल इंग्रेडिएंट को लेके नीचे ना जा सके, हम उसमें जिप्सम डालते हैं। जिप्सम जो है वो कैल्शियम और सल्फर प्रोवाइड करता है और लीचिंग इफेक्ट को कम करता है। एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है, और ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर लीचिंग इफेक्ट ज़्यादा मौजूद हो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट किस तरह से हैं? ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके रूट सिस्टम की डेवलपमेंट में मदद करता है, और इसके अलावा हालांकि इसका क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कोई करेक्टर नहीं है, मगर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इसकी मौजूदगी में होती है। अगर सल्फर कॉन्टेंट्स कम हो जाएँ तो ऐसे प्लांट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल डेवलप नहीं कर सकते और पत्ते उनके पीले पड़ जाते हैं। ये एक चंदे के इस्तेमाल थे उसके एग्रीकल्चर के अंदर। अब आइए इसके इंडस्ट्री में यूज़ को देखते हैं। इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में जिप्सम से बनता है। जिप्सम के अंदर आपको पता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे शामिल होते हैं, इसीलिए हम उसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड बुलाते हैं। अगर आप इसको गर्म करें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को, तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे थोड़ा सा ऊपर कंट्रोल्ड कंडीशन में, तो इसमें से तीन हिस्से पानी निकल जाता है। यानी कि अगर इसके अंदर दो पानी के मॉलिक्यूल हैं तो डेढ़ पानी का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा और आधा पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर बच जाएगा। अब जो मटेरियल बनता है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है। कैल्शियम सल्फेट के साथ डॉट लगा के दो पानी के मॉलिक्यूल लिखे हैं, इसका मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन के मौजूद हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को तकरीबन हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर गर्म किया, तो इसमें से दो में से डेढ़ पानी निकल गया, यानी तीन हिस्से पानी निकल गया। तो मैंने इसमें से ये लिखा, देखें यहाँ में से आधा पानी बच गया, आधा मॉलिक्यूल बच गया, और तीन हिस्से पानी जो है वो स्किप हो गया, निकल गया। इसको बुलाते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि व्हेन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड इज हीटेड, थ्री क्वार्टर ऑफ वाटर इज लॉस्ट। थ्री क्वार्टर ऑफ वाटर, यानी अगर हम चार हिस्से करें तो चार में से तीन हिस्से निकल गए। इस दो के चार हिस्से करें तो आधा हिस्सा यहाँ पे बचेगा, बाकी तीन, यानी तीन बटा दो, यानी डेढ़ डेढ़ पानी ये मॉलिक्यूल है, आधा ये, दो हो गए ना। तो हम इसको कहते हैं कि ये थ्री क्वार्टर, चार में से तीन हिस्से पानी जो है एस्केप कर गया, निकल गया, आधा पानी इसमें बच गया। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी इक्वेशन को बुक में यूं भी लिखा हुआ है, एक की बजाय उसने दो यूनिट्स लिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड दो यूनिट्स, गर्म किया, अब यहाँ पे दो दो नहीं चार, चार पानी के मॉलिक्यूल बन गए ना, तीन निकल गए एक बच गया, तीन हिस्से निकल गए एक बच गया, दो के साथ एक आ गया, यहाँ एक के साथ मैंने आधा लिखा हुआ। तो इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है, यूँ भी लिखा जा सकता है, थ्री क्वार्टर वाटर लॉस हो गया। ये जो बनता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है, इसका हाउस होल्ड यूज़ भी है। इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि अगर इसके अंदर आप पानी डालें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, कितना, जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस का वज़न है उससे आधा वज़न पानी डालते हैं। अगर एक किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो आप आधा किलो पानी डाल दें, तो उसके अंदर पानी डाल दें और उसको मिक्स कर लें, तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर ना ये जम जाता है, सख्त हो जाता है,
पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना जी, और इसकी 1% एक्सपेंशन भी होती है। इससे हम बहुत से फ़ायदे उठाते हैं। कौन से हैं मैं अभी अब डिस्कस करता हूँ, दोबारा वापस आते हैं। मैंने इंडस्ट्रियल यूज़ में आपको बताया कि इंडस्ट्रियल यूज़ में जिप्सम का काम यह है कि जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पैरिस बनता है, मगर अगर इसमें से आप सारे पानी के मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो फिर प्लास्टर ऑफ पैरिस नहीं बनेगा बल्कि डेड बर्न बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया, इसमें से सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल गए। अब कैल्शियम सल्फेट के साथ कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन गया, इसको डेड बर्न कहते हैं। डेड बर्न कहने की वजह ये है कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है वो तो तेज़ी से वाटर को एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता, इसीलिए इसको डेड बर्न कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेड बर्न में और प्लास्टर ऑफ पैरिस में फ़र्क, तो आप जो है बता सकते हैं कि अगर आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करें तो उसमें से 3/4 वाटर, तीन हिस्से पानी निकल जाता है, एक हिस्सा बच जाता है। इसे ये जो मटेरियल बनता है इसको प्लास्टर ऑफ पैरिस कहते हैं। ये जो है तेज़ी से पानी को जज्ब करके और हार्ड हो सकता है, जबकि अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करें तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा, और अब ऐसी सूरत में आपके पास जो मटेरियल बनेगा वो बहुत स्लो जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और इसको हम डेड बर्न कहेंगे। हम दोबारा प्लास्टर ऑफ पैरिस पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पैरिस के कुछ यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने अभी आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पैरिस के अंदर अगर आप आधा उसके वजन से, जितना प्लास्टर ऑफ पैरिस है उससे हाफ वेट पानी डाल दें तो उसको मिक्स करें, तो उसके नतीजे में वो 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और इसमें 1% एक्सपेंशन भी होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम मोल्ड्स को फिल कर सकते हैं। हमारे पास मोल्ड बना हुआ है, फ़र्ज़ करें कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है, हम उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पैरिस को फिल कर देंगे। जब प्लास्टर ऑफ पैरिस फिल होगा उसके बाद ये जब हार्ड होगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो जब हम इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर वो जो बारीक इम्प्रेशंस हैं, शार्प इम्प्रेशन इसके ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ वॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, रूफिंग छतें जितनी प्लास्टर की बनी होती हैं, कॉइंस बनाने में इस्तेमाल होता है, कास्ट ऑफ स्ट्रेची बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्लास्टर की कुछ स्पेशल किस्में भी हैं, जो कौन कौन सी हैं, सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर। इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का एक मेजर यूज़ सर्जरी में भी है। आपको पता है कि खुदा ना खासा बोन्स टूट जाएं तो उसके बाद उनके ऊपर जो है ना वो एक प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, वो प्लास्टर हार्ड होता है और वो बोन को सीधा रखता है ताकि वो आसानी से जुड़ सके। ये जो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है ये प्लास्टर ऑफ पैरिस ही है, बोन के ऊपर जो है वो पट्टी चढ़ा के उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, ये हार्ड हो जाता है, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है जिससे बोन बआसानी जुड़ सकती है। मैं आपको बता रहा था कुछ प्लास्टर की स्पेशल किस्में, जैसे सीमेंट प्लास्टर है और हार्ड फिनिश प्लास्टर है। आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पैरिस में पानी डालते हैं जिससे ये हार्ड हो जाता है बहुत जल्द, मगर अगर हम प्लास्टर ऑफ पैरिस में पानी की बजाय ग्लू डाल दें या कोई ऑयल डाल दें तो ये धीरे धीरे जमता है प्लास्टर ऑफ पैरिस, मगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है वॉल्स के अंदर पोर्स को फिल करने के लिए, पेंट करने से पहले। सीमेंट प्लास्टर के अलावा हार्ड फिनिश प्लास्टर, ये हार्ड फिनिश प्लास्टर जो है ये आमतौर पे कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस लेके उसकी कैल्सीनेशन हम करते हैं किससे, अलम या बोरेक्स के साथ, अलम पोटैश अलम को कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट एलुमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अलम, ये पोटेशियम सल्फेट एलुमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है, साथ 24 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। बोरेक्स जो है सोडियम टेट्राबोरेट है, इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ये मिनरल्स हैं सब के सब। तो अगर हम इनको कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस के साथ मिला के गर्म करें तो इससे हार्ड फिनिश प्लास्टर बनता है, और हार्ड फिनिश प्लास्टर जो है उसको किस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिला के, जैसे बगास है या कोई वुड डस्ट है, उसको मिक्स करके उससे हम हार्ड बोर्ड्स बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, वॉल बोर्ड्स बनाते हैं, ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं तख्ते से जिनको कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो थे प्लास्टर की बात, आखिर में एक छोटी सी बात है इंपॉर्टेंट, अक्सर बात पूछ ली जाती है, जिप्सम का एक और इस्तेमाल। ये प्लास्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जिप्सम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जिप्सम टॉपिक पढ़े ना। जिप्सम जो है इसको पेपर इंडस्ट्री के अंदर फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद एक इंपॉर्टेंट किस्म की बातें थी छोटी सी जो इन मिनरल्स के हवाले से थी। इसमें ज़्यादातर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कम आता है, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसको स्टडी कर लीजिएगा बुक्स। अस्सलाम वालेकुम।